वेलकम बैक टू माय क्लासरूम एंड यूट्यूब चैनल भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए डेफिनेशन नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के। इस वीडियो में हमें देखना है किस तरीके से हम ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल और एमपी से एफसी का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं जो हमें कन्वर्जन के लिए हेल्प करेंगे। आप राइट डाउन कर सकते हैं साथ में। चैप्टर 3 मैक्रो का है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, सबसे पहले ग्रॉस का फॉर्मूला। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और वही अगर आपको नेट चाहिए तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। एंड अगर आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट। तो बेसिकली आपको एक फॉर्मूला पता है तो आप बाकी दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल। अगर आपको नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक प्लस नीफिया। अगर नीफिया नहीं दिया तो फैक्टर इनकम फ्रॉम को ऐड करेंगे और फैक्टर इनकम टू को लेस करेंगे। अगर नीफिया नहीं दिया हुआ है, वैसे तो आपको नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नीफिया होता है, अगर नीफिया नहीं दिया है तो इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं, प्लस कर दीजिए फैक्टर इनकम फ्रॉम, जो भी आपने अर्न किया फैक्टर इनकम उसे फ्रॉम जो अब्रॉड आया उसको आप ऐड कर लीजिएगा, एंड जो भी फैक्टर इनकम आपने पे किया जो गया उसको आप लेस कर दीजिएगा। एंड आपको डोमेस्टिक चाहिए तो नेशनल यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस नीफिया मतलब माइनस फ्रॉम प्लस टू, अगर नीफिया नहीं दिया है तो आप ये करेंगे। एंड अगर आपको नीफिया निकालना है तो नेशनल माइनस डोमेस्टिक। नीफिया निकालने का एक और तरीका है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। निफिया निकालने के या आप नेशनल माइनस डोमेस्टिक या फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम टू, तो आप बेसिकली फ्रॉम माइनस टू याद रखिए। ओके, तो नेक्स्ट है एमपी। एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, मतलब प्लस आईटी, अगर एनआईटी नहीं दिया है तो प्लस करेंगे आईटी, माइनस करेंगे सब्सिडी, अगर नहीं दिया है सिर्फ तब। तो बेसिकली अगर एमपी अगर आपको निकालना है तो एफसी प्लस एनआईटी आप करेंगे, लेकिन अगर एनआईटी नहीं दिया हुआ है तो आपको ढूंढना पड़ेगा आईटी, आईटी को ऐड कर दीजिएगा और सब्सिडी को लेस। इन द सिमिलर मैनर अगर आपको एफसी चाहिए तो एमपी माइनस एनआईटी, एनआईटी नहीं दिया है तो माइनस आईटी एंड प्लस सब्सिडी और लगा लीजिए। एंड नेक्स्ट है एनआईटी। एनआईटी इज इक्वल टू एमपी माइनस एफसी। एनआईटी निकालने के लिए एमपी माइनस एफसी करना है। साथ ही साथ एक और है, कहाँ लिखूँ मैं, और थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे एनआईटी का एक फॉर्मूला तो हो गया एमपी माइनस एफसी, दूसरा अगर आपको एनआईटी निकालना है तो आईटी माइनस सब्सिडी, ये यहाँ पे दो फॉर्मूला है, ध्यान से लिख लीजिएगा, कुछ मिस नहीं। तो बेसिकली ग्रॉस निकालना है तो नेट में आपको ऐड करना है डेप्रिसिएशन, नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिएगा,
डिप्रिसिएशन निकालना है तो ग्रॉस माइनस नेट कर दीजिएगा, नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में ऐड करना है निफिया, निफिया नहीं दिया है तो फ्रॉम को ऐड करेंगे माइनस करेंगे टू को, डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में माइनस करेंगे निफिया, निफिया नहीं दिया है तो माइनस करेंगे फ्रॉम को प्लस करेंगे टू को, निफिया निकालना है तो नेशनल में से डोमेस्टिक को लेस कर दीजिएगा, और अगर निफिया निकालने का आपको दूसरा रास्ता चाहिए तो आप क्या करेंगे फ्रॉम माइनस टू, जो भी इनकम आपको मिली अर्न हुई में से जो आपने पे कर दी उसका डिफरेंस निफिया हो जाएगा। एमपी निकालना है तो एफसी प्लस एनआईटी कीजिएगा, एनआईटी नहीं दिया है तो प्लस कीजिएगा आईटी, माइनस कीजिएगा सब्सिडी। इन द सिमिलर मैनर एफसी निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो एमपी माइनस एनआईटी, एनआईटी नहीं दिया है तब माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, एंड लास्ट में अगर आपको एनआईटी निकालना है तो एमपी माइनस एफसी, या फिर आप कर सकते हैं आईटी माइनस सब्सिडी। याद से इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ग्रॉस नेट या फिर नेट ग्रॉस बन सकता है विद द हेल्प ऑफ डिप्रिसिएशन, किस तरीके से डोमेस्टिक जो है वो नेशनल या नेशनल जो है डोमेस्टिक बन सकता है विद द हेल्प ऑफ निफिया, एंड किस तरीके से एमपी एफसी या फिर एफसी एमपी बन सकता है विद द हेल्प ऑफ एनआईटी। ये कन्वर्जन बहुत ही जरूरी है, कई बार 3 मार्क्स में भी डायरेक्टली आपको कन्वर्जन पूछ लिया जाता है, अदरवाइज जब नेशनल इनकम में आप प्रोडक्ट इनकम या एक्सपेंडिचर मेथड किसी भी मेथड से आप कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम या उसके एग्रीगेट्स का, तब भी इस कन्वर्जन की आपको जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस कन्वर्जन की हेल्प से और कुछ और फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, देखिएगा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा क्या कुछ और हमें डिस्कस करना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के अंदर में, बाय बाय एंड टेक केयर।